हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद द टाइप ऑफ टेंस सिंपल पास्ट टेंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है ये। अगर आपको सिंपल सिंपल भी तीनों आते हैं टेंसेज करने तो आपको ऑलमोस्ट कमांड हो जाती है। सिंपल पास्ट टेंस, सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, किसमें, सिंपल सेंटेंसेज बनाने में। और सेकंड फॉर्म का यूज सभी पर्सन और सभी नंबर के साथ होता है। ये नहीं कि आप में इसमें आई आ गया तो आपको दूसरी वर्ब लगानी है, वी के साथ दूसरी, सभी के साथ एक जैसी वर्ब का यूज होते हैं। जैसे कि आई प्लेड, यू प्लेड, शी प्लेड, दे प्लेड। नेगेटिव अगर हम सेंटेंस बनाते हैं तो जो हमारी ऑक्सिलरी डू होती है उसकी सेकंड फॉर्म डिड का यूज हमें करना है और उसके साथ नोट लगा देना, जैसे कि आई डिडंट प्ले, यू डिडंट प्ले। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड सेंटेंस में सबसे आगे लग जाता है, डिड यू प्ले, डिड शी प्ले। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है जो कॉमन मिस्टेक होती है कि जब भी हम डिड लगा दें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता है। और इसमें आप इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे कि सेकंड फॉर्म इक्वल टू डिड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो इक्वल टू है डिड और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आती है जब, ठीक है। डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है नेगेटिव में और किस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है सिर्फ सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। सो देखिए एक बार यहाँ पर टेबल में देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंसेज में आई, वी, यू, दे, शी, इट, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, सभी के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, टाइम गिवन है तो दैट्स ओके। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस में भी कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी सब्जेक्ट के साथ आप डिड नॉट या डिडंट, यानी कि जो कॉन्ट्राडिक्ट फॉर्म है वो भी लगा सकते हैं डिडंट, और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इंट्रोगेटिव बनाते हैं सबसे पहले, अगर यस और नो वाले क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो यस और नो के क्वेश्चन में डिड पहले आ जाता है, डिड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन द अदर वर्ब्स, उसके बाद दूसरे शब्दों का यूज करना है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर पुट करना है। देखिए बेटा नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में अगर हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं तो जो आप हिंदी वाक्य बोल रहे हैं उसके एंड में ता था, ते थे, ती थी या ओनली वोवल साउंड, वोवल साउंड कैसे आ, ए, ई, यू, ये साउंड आती हैं, तो वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी कि ओनली वोवल साउंड या फिर ता था, ते थे, ती थी आते हैं। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर यूजेस दिए हुए हैं कि हम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कर सकते हैं। कि अगर आपका इंग्लिश वाक्य के एंड में, अगर आपके इंग्लिश सेंटेंस है उसके अंत में एगो, लॉन्ग एगो, यस्टरडे, प्लस लास्ट प्लस टाइम गिवन है, ये इंडिकेट है कि अगर आपको ये मिल गए तो आपको उस सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म या डिड प्लस नॉट प्लस V1 का ही यूज करना है। आप अपनी मर्जी से उसमें और कोई टेंस नहीं लगा सकते। जैसे कि अगर यस्टरडे टाइम दे दिया, आई मेट हिम यस्टरडे, आई मेट हिम टू डेज अगो, तो यहाँ पर हम V2 ही लगाएंगे, अपनी मर्जी से कंटिन्यूस या जो और दूसरे टेंस हैं उनका यूज नहीं किया जा सकता, ये कंपल्शन हो जाता है। नेक्स्ट सेकेंड यूज है कि अगर सबॉर्डिनेट क्लोज एज सून एज से स्टार्ट होता है, सबॉर्डिनेट यानी कि जो डिपेंडेंट क्लोज होता है, अगर वो आपका एज सून एज से स्टार्ट होता है तो आपकी जो मेन वर्ब है वो किस में होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म में होगी, और जो सबॉर्डिनेट क्लोज होगा उसमें भी क्या होगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी। यह क्या करता है, किसी ऐसे काम को रिप्रेजेंट करता है जो पास्ट में हुए दो एक्शंस को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एज सून एज तब आता है जब पास्ट में कोई दो एक्शन एक साथ हुए हों। लुक हियर, एज सून एज आई रीच द स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, द बेल रिंग, घंटी बजी, बजी यानी कि ई की साउंड आई, पहुंचा आ की साउंड आई, तो ये दोनों क्या हो गए, आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हो गए। एज सून एज आई रीच द स्कूल, द बेल रैंग। अब नेक्स्ट है कि पास्ट के किसी भी एक्शन को डिफाइन करने के लिए हम इस टेंस का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, एन एक्सीडेंट अकर्स इन द फ्रंट ऑफ आर स्कूल, हमारे स्कूल के सामने एक एक्सीडेंट
हुआ, आ की साउंड आ गई या हुआ था, हुआ, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट है, पास्ट की किसी भी आदत को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे कि गांधी जी स्पन फॉर एन आर डेली। स्पिन की सेकंड फॉर्म है स्पन। आर्यंस बिलीव्ड इन वननेस ऑफ गॉड। तो ये सारे क्या है, पास्ट की हैबिट है, पास्ट का एक्शन है, पास्ट के रीति रिवाज हैं, तो उनके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट में अगर कोई रीति रिवाज थी अब कंटिन्यू नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करेंगे। अब ये सबसे ज़्यादा आते हैं और कॉम्पिटिटिव टेस्ट में भी इस तरीके का एक क्वेश्चन जरूर आते हैं कि यदि पास्ट में कोई दो एक्शन हुए हैं तो हमें ये ध्यान रख लेना है कि दो एक्शंस में से जो एक्शन बाद में होते हैं उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं, और जो एक्शन दो एक्शन में से पहले होते हैं उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, जैसे कि हैड प्लस वी थ्री लगा देते हैं। यू कैन सी हियर द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। जो घंटी है वो बज चुकी थी, मैं स्कूल पहुंचा उससे पहले घंटी बज चुकी थी। यानी कि आप एक चीज़ का ध्यान कर लें कि अगर या तो हम दो एक्शन होते हैं उनमें जो एक्शन बाद में होता है उसके लिए हम किसका करते हैं, वी टू का यूज करते हैं, और उन एक्शंस में जो पहले हुआ उसमें हम हैड प्लस वी थ्री का यूज करते हैं। या तो एक इसका तरीका ये है, टू एक्शन में से जो पहले होगा उसमें परफेक्ट आएगा, जो बाद में होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा, या फिर इसमें बिफोर और आफ्टर करके बहुत वारी क्वेश्चन आते हैं कि अगर बिफोर दिया हुआ है, बिफोर से पहले हम हैड प्लस वी थ्री यूज करते हैं, बाद में वी टू का यूज होता है, और आफ्टर अगर दिया हुआ है, आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो इसके बाद में हम क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, और इससे पहले यूज होता है किसका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब नेक्स्ट है कि यदि आपका जो मेन क्लॉज है उसमें अगर वुड आता है, तो वुड के साथ तो आपको पता ही है वुड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, लेकिन जो आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज है उसमें क्या आते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। इफ़ यू वॉक्ड फास्ट, अगर तुम तेज चलते, ए की साउंड आ गई है, यू वुड कैच द ट्रेन, तो तुम ट्रेन को पकड़ लेते, लेकिन अब वो ट्रेन मिस हो चुकी है, यानी कि पास्ट में कोई एक्शन हुआ था। तो अगर मेन क्लॉज में यू कुड कैच द ट्रेन, तुम पकड़ लोगे, पकड़ लिया होता, तो आप यहाँ पर वुड प्लस वी वन दिया हुआ है, ये ध्यान कर ले, कंडीशनल क्लॉज है ये। इफ दिया हुआ है सेंटेंस में अगर वुड प्लस वी वन आती है, तो जो आपका सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा उसमें पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर अगर नेगेटिव बनाएं तो डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। एक लास्ट यूज है इसका कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस में इन प्लस ईयर, इन प्लस कोई भी ईयर यानी कि कोई भी साल दिया हुआ है, तो उसमें हमें डेफिनेटली किसका यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करना है, उसमें हम और कुछ यूज नहीं कर सकते हैं। जिसके ही पास्ट हिज बीए इन 2009, मान लो उसने 2009 में अपनी बीए पास की, तो वहाँ पर आप इन प्लस ईयर दिया हुआ है, तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज करते हैं। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज प्रेजेंट की हैबिट को बताने के लिए किया जाता है, वैसे ही जो पास्ट की हैबिट है उनके लिए सिंपल पास्ट का यूज होता है, या फिर किसी मृत आदमी के बारे में बताने के लिए, यानी कि अगर कोई पर्सन क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, मर चुका है, तो उसके बारे में भी बताने के लिए हम पास्ट टेंस का ही यूज करते हैं। शी ऑलवेज वॉर अ ब्लैक ड्रेस, वो हमेशा एक ब्लैक ड्रेस पहना करती थी, ता था ते थे ती थी, यानी कि पास्ट में, यानी कि अब वो पर्सन अलाइव नहीं है, तो अगर पास्ट में या किसी मरे हुए इंसान की हैबिट या पास्ट की किसी हैबिट के बारे में बताना हो तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। अभी जो इन प्लस ईयर वाला बताया उसको इस पिक्चर के थ्रू समझें कि सिंपल पास्ट टेंस में पास्ट का अगर कोई टाइम गिवन है तो उसमें हम पास्ट टेंस का ही यूज करेंगे, सिंपल पास्ट का ही यूज करेंगे। जैसे कि कुतुब उल दिन अकबर बिल्ड इन कुतुब मीनार आएगा, यहाँ पे कुतुब मीनार इज बिल्ड इन 1199, तो यहाँ पर कुतुब उल दिन बिल्ड इट इन AD 1119, यहाँ पर
क्या है, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए बिल्ड की सेकंड फॉर्म वी टू का यूज हो गया। पास्ट की कोई घटना थी उसको बताया गया। अब वो पूछती है कि डिड अकबर बिल्ड द रेड फोर्ट, वो पूछती है कि क्वेश्चन पूछा तो डिड पहले आ गया और उसके बाद क्या आया, आपका सब्जेक्ट आया प्लस वी वन का यूज किया गया। उसके बाद वो आंसर कहते हैं नो अकबर डिड नॉट बिल्ड इट। अब उसने आंसर दिया नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट बिल्ड, डिड नॉट आया तो वहाँ पर आपको वी वन का ही यूज करना है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस शाहजहाँ बिल्ड इट, शाहजहाँ ने इसे बनवाया था, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है इसमें मेन कि अगर आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है तो आप वी टू लगाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड प्लस नॉट प्लस वी वन का यूज किया जाना है। अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डिड प्लस आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। इस फॉर्मेशन को आप याद रखेंगे।